गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज से हम यूरोपीय वसाहतवाद यानी यूरोपियन कॉलोनिज्म का थर्ड पार्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, एशिया और अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे वसाहतवाद यानी कॉलोनिज्म कैसे बढ़ा है, कौन सी कंट्री में कैसे बढ़ा था, कौन सा एरिया किस कंट्री के अंडर आता था, इसके बारे में पढ़ना है। अब इसके लिए फर्स्ट हम पढ़ेंगे एशिया। एशिया के बारे में पढ़ते समय हमें एशिया में बाकी कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ बेसिकली क्या पढ़ना है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपखंड के बारे में ही में पढ़ना है, जहाँ पे कॉलोनीज बनी थी। अब इसमें फर्स्ट कॉलोनी कौन सी बनी है, म्यांमार, जो हमारी पड़ोसी कंट्री, जिसे हम ब्रह्मदेश के नाम से भी जाना जाता है या बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। एक ही कंट्री, तीन नाम याद रखो, म्यांमार, ब्रह्मदेश एंड बर्मा। और यहाँ पे 1760 से म्हणजे 1760 पासून 19th century म्हणजे 19व्या शतकापर्यंत वहाँ की जो रूलर्स थे या जो राज्य करते होते त्यांनी कंटिन्यूअसली रूल किया है। और वहाँ पे ये नेबरिंग कंट्री है, इंडिया की पड़ोसी कंट्री है, और ये इस वजह से जो इंडिया में रूल कर रहे थे ब्रिटिश इंग्लैंड वाले लोग, वो म्यांमार भी अपने अंडर लाना चाहते थे। इस वजह से उनके बीच इंग्लैंड या इंग्रज के साथ म्यांमार के वॉर हुए। टोटल कितने वॉर हुए, 3 wars। उन्हें ब्राह्मी युद्ध, मराठी मध्ये काय म्हणायचं, ब्राह्मी, 3 युद्ध झाले, ब्राह्मी 3 युद्ध, इंग्लिश में कहा जाएगा फर्स्ट एंग्लो बर्मा और सेकंड एंग्लो बर्मा और एंड थर्ड एंग्लो बर्मा और। अब फर्स्ट ब्राह्मी युद्ध या एंग्लो बर्मा वॉर में क्या वो कहा तो कितने पीरियड तक चला, ये कंटिन्यूसली 2 years तक चला, जो म्यांमार और ब्रिटिशों के बीच चला है। और इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ये हम ध्यान देंगे। यहाँ पे रंगून जो मेन सिटी है, जिसे युनोंग के नाम से भी जाता है, जो ब्रिटिशों ने कैप्चर कर ली। लेकिन ये कैप्चर क्यों की थी, म्यांमार ने अपनी बॉर्डर बढ़ाना स्टार्ट किया है, उन्होंने मणिपुर कैप्चर किया था, उससे पहले क्या क्या कैप्चर किया था, मणिपुर। और ब्रिटिशों को लगा अगर बर्मा ने मणिपुर कैप्चर कर दिया तो उनकी ट्रेडिंग को प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वजह से उन्होंने ब्रिटिशों ने म्यांमार के साथ और किया और उसमें बर्मा की हार हुई। और बर्मा की हार होने की वजह से रंगून सिटी ब्रिटिशों को मिल गई। सेम टाइम उनके बीच में एक तह डाला, दो गांजे में देखा डाला तह, इंग्लिश में उसे कहेंगे ट्रीटी, जिसके ट्रीटी या तहाचा अंतर्गत उन्हें मणिपुर जो ब्रिटिशों के अंडर था, जो म्यांमार ने कैप्चर किया था, मिलावला होता, वो फिर से एक बार ब्रिटिश को रिटर्न मिला। सेम टाइम जो म्यांमार का किनारी प्रदेश, जंगल, खनिज, मीन्स म्यांमार का जो भी कोस्टल एरिया है, फॉरेस्ट है, माइंस है, वो टोटली ब्रिटिशों के अंडर चले गए ट्रीटी की वजह से, तहाचा नियमाप्रमाणे। सेम टाइम अब इसका नुकसान भर पाया, तो युद्ध झालं, आता ब्रिटिशों का कहना था कि क्यों हुआ है, तो बर्मा की वजह से हुआ, तो इसकी वजह से इसके हमें नुकसान भर पाए, मीन्स कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। तो इस वजह से बहुत सारी उन्होंने अमाउंट म्यांमार से मांगी थी। और सेम टाइम एक रेसिडेंट म्हणजे राजाचा प्रतिनिधि अपॉइंट किया है, किंग का एक मेंबर अपॉइंट किया है, जो म्यांमार की राजधानी है आवा इनवा कहा जाता है, वहाँ पे एक रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है, जिसकी वजह से म्यांमार के पॉलिटिकल कंडीशन या पॉलिटिक्स पे ध्यान रखा जाए। अब इसके बाद ये फर्स्ट वॉर हुआ ब्राह्मी वॉर, सेकेंड वॉर ब्राह्मी वॉर, इसे सेकेंड एंग्लो बर्मास वॉर कहते हैं। ये किस पीरियड में हुआ है, लॉर्ड डलहौसी। एक बात याद रखो, जब भी लॉर्ड डलहौसी का नाम आएगा तो उसने एक ही मेंटेलिटी बनाई है, उसे ब्रिटिशों की बॉर्डर बढ़ानी है। इनडायरेक्टली उसने बहुत सारे इंडिया में 1857 के रिवॉल्ट की रीजन देखते समय, लॉर्ड डलहौसी भी एक रीजन होता है जिसकी आइडियोलॉजी या उसकी थिंकिंग की वजह से 1857 का रिवॉल्ट का हुआ ऐसा कहा जाता है। वही यहाँ पे लॉर्ड डलहौसी ब्राह्म की वजह से सेकेंड ब्राह्मी युद्ध या सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर हुआ है, जिसकी वजह से क्या है उसकी वजह, तो बर्मा को कैप्चर कर रहा था। अब इसके लिए वो रीजन ढूंढ रहा था, डलहौसी हमेशा छोटे छोटे रीजन को बढ़ा करके
वो एरिया कैप्चर करता है। अब उस समय में क्या हुआ था, टू ब्रिटिश ऑफिसर्स म्हणजे दोन इंग्रज अधिकारी जो म्यानमार में ही रहते थे, उनको म्यानमार गवर्नमेंट ने फाइंड कर दिया। क्या कर दिया, फाइंड कर दिया, म्हणजे काय, म्यानमार सरकार ने दोन ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना दंड ठोठावला। यही छोटा सा रीजन डलाउसी ने लेके जॉर्ज लैम्बर्ट को अपनी फौज लेके म्यानमार भेज दिया, और उस वजह से जॉर्ज लैम्बर्ट की फौज और बर्मा की फौज के बीच वॉर हुआ, और उस वॉर में भी फिर से एक बार बर्मा की आर्मी हार गई है, और इस वजह से रंगून, पेगू, प्रोम का जो एरिया है वो ब्रिटिशों ने टोटली कैप्चर कर लिया। म्हणजे तीन शहर, रंगून, पेगू आणि प्रोम, तीन ही शहर ब्रिटिशांनी स्वतःच्या ताब्यात घेतले। सेम टाइम अब इस वॉर में जो वॉर हुआ था, जो जॉर्ज लैम्बर्ट की जो फौज थी उसमें बहुत सारी इंडियंस पार्टिसिपेट थे। अब इंडियंस पार्टिसिपेट है, और हुआ, और होने के बाद लॉर्ड डलहौसी ने एक न्यू थ्योरी ढूंढ के निकाली। क्या ढूंढ के निकाली, तो उसका कहना था ये वॉर हुआ है, वॉर होने की वजह क्यों है, इंडिया की सिक्योरिटी, क्योंकि बर्मा से इंडिया की सिक्योरिटी को प्रॉब्लम थी, इस वजह से ये वॉर का जितना भी खर्चा आया है वो इंडियन ट्रेजरी से किया जाएगा, म्हणजे भारतीय तिजोरीतून हा सगळा युद्धाचा खर्च केला जाईल। त्यामुळे इनडायरेक्टली, उसकी वजह से इनडायरेक्टली क्या हुआ, इंडियंस के ऊपर टैक्सेस बढ़े। देखो और का आप हुआ है, ब्रिटिश म्यांमार, उसका इम्पैक्ट किसे भुगतना पड़ रहा है, इंडियंस को। ये हुआ सेकेंड ब्राह्मी वॉर। उसके बाद थर्ड ब्राह्मी वॉर, थर्ड एंग्लो बर्मास वॉर, जो 1885 में हुआ था। अब ये 1885 में थर्ड ब्राह्मी वॉर हुआ है, और थर्ड ब्राह्मी वॉर क्यों हुआ है, इसके कुछ रीजंस हैं। उस समय के टाइम पे क्या कंडीशन थी, इसकी वजह से ब्राह्मी वॉर हुआ है। अब ब्रिटिश आते थे म्यांमार, टोटली ट्रेडिंग किसके साथ करें, उनके साथ ही करें, लेकिन जो किंग था म्यांमार का, थीबा या थीबू, उसने क्या किया है, उसने इटली, जर्मनी, फ्रांस के साथ भी कुछ एग्रीमेंट के, ट्रेडिंग रिलेटेड एग्रीमेंट के लिए, म्हणजे काय, म्यानमारच्या राजा थिम्बा ने इटली, जर्मनी, फ्रांस सोबत व्यापारी करार केले, जिसकी वजह से प्रॉब्लेम क्या हुआ, अब ब्रिटिशों को कॉम्पिटेटर म्हणजे प्रतिस्पर्धी निर्माण झाले। ये कंडीशन थी। अब उसके साथ एक बॉम्बे बर्मा, बॉम्बे यानी मुंबई, हाँ मुंबई को पहले क्या कहा जाता था, बॉम्बे, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन नाम की एक इंस्टीट्यूशन या संस्था थी जो ट्रेडिंग का काम करती थी इंडिया और बर्मा के बीच। उसको किसी वजह से किंग थिम्बा ने उसको पेनल्टी दे दी, म्हणजे दंड आकारला ट्रेडिंग कॉरपोरेशनला, जिस वजह से ब्रिटिश नाराज हो गए, और लॉर्ड डजरिन के टाइम टाइम ये हो रहा था, और लॉर्ड डफरीन के टाइम ये हुआ था, और लॉर्ड डफरीन ने इस वजह से बर्मा के खिलाफ फिर से एक बार अपनी फौज भेजने का काम किया था। वो दोनों के बीच में वॉर हुआ, और दोनों के बीच में वॉर होने के बाद यहाँ पे भी फिर से एक बार बर्मा की फौज हार गई, बर्मा एक बार हार गया है। उसके बाद जो रूलर था किंग थिबू या राजा थिब्बा, उसने सरेंडर कर दिया, पर फौज हार गई तो किंग ने सरेंडर कर दिया, और सरेंडर करने के बाद वो ब्रिटिशों के अंडर आ गया, और उसे मंडा उसकी कंट्री से वापस एक बार रिवॉल्ट ना करे, वॉर ना करे, इस वजह से उसे वहां से उठा के इंडिया में लेके आए। आप लेके आए इंडिया में, इंडिया में भी महाराष्ट्र में आए। बुक में डिटेल में है जो रत्नागिरी है, रत्नागिरी में उसके लिए एक पैलेस बनवाया छोटा सा, और वहाँ पे ही उसे रखा गया है। देखो रूलर्स ब्रिटिश क्या करे, थीबा को इंडिया में रत्नागिरी में लेके आए, और 1857 के टाइम बहादुर शाह जफर को पकड़ के कहाँ पे भेज दिया गया, रंगून, लोकमान्य रोग को कहाँ भेजा गया था, मंडाले। फिर देखो यहाँ के रूलर्स वहाँ पे, वहाँ के रूलर्स या लीडर्स यहाँ पे, ऐसे काम ब्रिटिश करते थे। थीबा को सरेंडर करने के बाद रत्नागिरी भेज दिया गया, और उसके बाद मंडाले जो सिटी है, मंडाले शहर,
अब ब्रिटिशों ने कैप्चर कर दिया। मंडाले हमने पढ़ा है, लोकमान्य तिलक को मंडाले की ही जेल में रखा था। अब ये तीन बातें इम्पैक्ट हुई। अब और एक बात, इसके बाद एक कुछ ऐसे कंडीशन बदले और जिस कंडीशन की वजह से 1935 में एक एक्ट हुआ, 1935 ला एक कायदा डाला है, त्या उस एक्ट या उस कायदा की वजह से या रूल की वजह से म्यांमार इंडिया से अलग हो गया, इंडियन टेरिटरी का एक पार्ट था, तो 1935 में वो इंडिया से अलग हो गया। और बाद में 1949 में इंडिया से ही इंस्पिरेशन लेके, इंडियन फ्रीडम फाइट से इंस्पिरेशन लेके, दो साल के बाद इंडिया के बाद 1949 म्यांमार फ्रीडम झाले, स्वतंत्र झाले। अब यहाँ पे तीनों और ख़त्म होते हैं म्यांमार के बारे में, जिसमें हमने देखा फर्स्ट ब्राह्मी और सेकेंड ब्राह्मी और एंड थर्ड ब्राह्मी और। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारे अनादर एक नेबरिंग कंट्री, हमारी पड़ोसी कंट्री, वो है नेपाल। अब नेपाल के बारे में देखने, अब ब्रिटिश वो कई ख्वाहिश और एक थी, म्यांमार तो कैप्चर कर लिया था, सेम टाइम वो क्या चाहते थे नेपाल भी उनके अंडर आ जाए, इस वजह से वो नेपाल को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ब्रिटिशों को नेपाल कैप्चर करना आसान नहीं था, क्योंकि वो हिमालय माउंटेन के बीच में, तो वहाँ पे इतनी इजी नहीं है वॉर करना और वहाँ से नेपाल को अपने अंडर लाना। इस वजह से उन्होंने एवरी टाइम कोशिश करती थी, जो गुरखास थे नेपाली पीपल्स, गुरखा कहा जाता है, वो 10 to 12,000 थे, और ब्रिटिश जो आर्मी है 30 to 40,000 थी, फिर भी दोनों के बीच में वॉर है, बहुत बार ये वॉर चलता रहा, लेकिन ब्रिटिशों को जल्दी सक्सेस नहीं मिली, ब्रिटिशाना लोगों का यश मिला नहीं। फिर भी ब्रिटिश और नेपाल कंट्री के बीच दो बार में वॉर हुए। अब ये वॉर के बारे में नहीं पढ़ना हमें, उतना ही है हमें। अब क्या है, एक वॉर हुआ था 1816 मालवनपुर, ये प्लेस है नेपाल का, वहाँ पे एक वॉर हुआ था ब्रिटिश और नेपाल के बीच, एक लड़ाई चली ब्रिटिश और नेपाल, और जिसमें नेपाल ने नेपाल को हार मिली है। अब नेपाल को जैसे ही हार मिलती है तो ब्रिटिशों ने नेपाल का कुछ एरिया अपने अंडर ला लिया, कौन सा, तराई, कुमाऊ एंड गढ़वाल का जो एरिया है जो ब्रिटिशों ने अपने अंडर लाया। और सेम टाइम नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू, वहाँ पे भी एक ब्रिटिश रेसिडेंट अपॉइंट किया, मीन्स मेंबर ऑफ किंग, राजा का प्रतिनिधि, कहाँ पे अपॉइंट किया है, काठमांडू में अपॉइंट किया है। ये चलता रहा और 1923 में ब्रिटिशों ने नेपाल को फ्रीडम दे दिया है, या फ्री हो गए, सार्वभौम्य ऐसे कंट्री बना दिया। इस नेपाल के में ज़्यादा कुछ नहीं है, टू आवर्स हुए हैं, फौज याद रखी तो ठीक, नहीं तो नहीं रखी तो भी, ये याद रखना है मालवनपुर वॉर जिसमें नेपाली हार गए, जिसकी वजह से तराई कुमाऊ गढ़वाल कैप्चर हुआ है, काठमांडू में रेसिडेंट अपॉइंट किया है, और 1923 में नेपाल को फ्रीडम मिली। इसके बाद अनदर नेबरिंग कंट्रीज, अब ये कंट्री नहीं है, प्रेजेंट टाइम में ये क्या है, कंट्री नहीं है, ये इंडिया का ही पार्ट है। ये कैसे इंडिया का पार्ट हुआ वो हम देखेंगे, लेकिन ये पहले क्या है, कंट्री थी सिक्किम, जिसके एक साइड से तिब्बत, दूसरी साइड से नेपाल, तीसरी साइड से इंडिया, ऐसे तीनों के बीच में एक छोटा सा स्टेट था जो था सिक्किम। अब सिक्किम का अलग रूलर था, जो सिक्किम के रूलर थे, किंग था, उसने 1885 में ही अपना दार्जिलिंग का पार्ट, कुछ पार्ट ब्रिटिशों को हैंड ओवर कर दिया, मीन्स दे दिया, आपको ये दे दिया, और उसके रिटर्न में ब्रिटिशों ने सिक्किम के किंग को क्या दिया, तो वार्षिक तनख्वाह शुरू केला, काय चालू केला, वार्षिक तनख्वाह म्हणजे पेन्शन सारखा हा प्रकार आहे। ब्रिटिशों ने एक सर्टन अमाउंट किंग को एवरी ईयर देने का मान लिया, ये चल रहा था, ओके था। फिर से एक बार यहाँ पे चेंजेस हुए, लॉर्ड डलहौसी आ गया, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, 1885 ने, ये 1815 ने, 1815 में
सिक्किम की रूलर ने वहाँ पे दार्जिलिंग दे दिया। अब यहाँ पे दार्जिलिंग देने के बाद ये सब हो रहा है, लॉर्ड डलहौसी एक बार फिर से, लॉर्ड डलहौसी ने सिक्किम की तरफ अपना रुख किया है। जैसे ही रुख करने के बाद उसने दार्जिलिंग के सिवा कुछ सिक्किम का और पार्ट अपने कैप्चर कर लिया, अपने ताब्यात घेतला है, जिस वजह से अब भारत तिब्बत में जो भी व्यापार या ट्रेडिंग हो रहा था उसके ऊपर जकात मिस ऑक्ट्री जकात के राइट्स अब ब्रिटिशों को मिले, मीन जकात वसूली के अधिकार अब आता ब्रिटिशांना मिलाए लगे। इसी बीच जो अनादर पड़ोसी कंट्री है सिक्किम की उस साइड से तिब्बत, तिब्बतियंस लोग चाहते थे कि सिक्किम उनके पास आ जाए, इस वजह से वो भी उन्होंने सिक्किम के ऊपर अटैक किया। लेकिन ब्रिटिशों ने सिक्किम तिब्बतियन को वहाँ से तिब्बतियन से सिक्किम को सिक्योर करने का काम किया, ब्रिटिशों ने उनके खिलाफ एक्शन ले ली। अब उसके बाद कुछ सालों के बाद एक ब्रिटिश और चाइना के बीच में एक तह, ब्रिटिश चाइना में एक तह जला 1890 ला ट्रीटी हुई है 1890 में। उस ट्रीटी के अंडर क्या हुआ है, जो सिक्किम का एरिया है वो ब्रिटिश प्रोटेक्टेड है ये चाइना ने मान लिया। या क्या है, सिक्किम का एरिया किसके अंडर है, ब्रिटिशों के अंडर ये चाइना ने मान लिया है। अब जैसे ही ये मान लिया जाता है तो दार्जिलिंग के पास जो टी गार्डन से, मतलब दार्जिलिंग जवळचे जे चहाचे मळे आहेत ते चहाचे मळे आता ब्रिटिशांना वापरासाठी मुक्त झालेले आहेत। ये सब हो रहा था, इंडिया को फ्रीडम मिला ब्रिटिशों को, फिर भी वो ब्रिटिशों के हैं, ब्रिटिश सेंस से सिक्किम अलग रहा, वो उसे भी बाद में फ्रीडम मिली। और जस्ट फ्रीडम मिलने के बाद कुछ सालों के बाद 1975 साली सिक्किम मध्ये एक मतदान घेण्यात आलं। कोणत्या गोष्टीसाठी मतदान घेण्यात आलं, तर आप सिक्किमने भारतात सामील व्हायचं का नाही, और सिक्किमच्या लोकांनी भारतात सामील होण्याच्या दृष्टिकोनातून मतदान केलं। मीन्स 1975 में जो सिक्किम के पीपल्स ने वोट दे, किस रीजन में वोट दे, उन्हें इंडियन रिपब्लिक का पार्ट होना है या नहीं होना है, इस वजह से वो उन्होंने होना है सिक्किम को इंडिया का पार्ट करना, इसके साइड से वोटिंग की, और इस वजह से 1975 ये जो कंट्री है सिक्किम वो इंडिया का एक स्टेट बन गया। क्या बन गया, स्टेट बन गया। और स्टेट बनने की वजह से आज हमारे इंडिया का ही एक सिक्किम पार्ट है। अब इसके बाद देखना है हमें नेक्स्ट भूटान, क्या देखना है भूटान। अब भूटान के बारे में क्या देखना है, अब भूटान ये भी इंडिया की पड़ोसी कंट्री, उसको उसका ज्योग्राफिकल एंड ट्रेडिंग इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि वहाँ की जो कंडीशन है, माइंस है, फॉरेस्ट है, इसका यूज करके ट्रेडिंग में बहुत बड़ा उसकी इम्पोर्टेंस है। इस वजह से ब्रिटिशों को भी ये इम्पोर्टेंस पता थी, इस वजह से जब वॉरन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल था उसने क्या काम किया है, उसने मित्रत्वाचे संबंध प्रस्थापित केले होते। काय केले, मित्रत्वाचे संबंध प्रस्थापित केले, मीन्स फ्रेंड रिलेशन मेंटेन किए भूटान के साथ। इस वजह से भूटान के साथ फ्रेंड रिलेशन मेंटेन करने की वजह से तिब्बत और बंगाल के बीच में जो ट्रेडिंग रूट है, व्यापारी मार्ग, हाँ ब्रिटिशों को खुला हो गया, जब तिब्बत से बंगाल वो ट्रेडिंग कर सकते थे। ये हो रहा था, इजीली चल रहा था, लेकिन ब्रिटिशों की मेंटेलिटी, भूटान भी कैप्चर करना चाहिए, भूटान भी ब्रिटिशों के अंडर आना चाहिए। इसी वजह से 1841 एशले एडन ने अपने भूटान की तरफ देखने का स्टैंड बदल दिया। एस्टले एडल ने क्या किया, आक्रमक प्रवृत्ती घेतला, आता आपल्याला भूटान ब्रिटिशांच्या अंडर आणला पाहिजे, मीन्स अग्रेसिव स्टँड लिया, भूटान को ब्रिटिशों का ही पार्ट बनना है। इस वजह से 1965 में एक और हुआ था, भूटान ब्रिटिश वॉर, जिसमें नॉर्मली हमेशा की तरह ब्रिटिशों को विक्ट्री मिली है और दोनों के बीच में एक ट्रीटी हुई है, एक तह डाला है ब्रिटिश यानी भूटान के बीच में। उसमें क्या किया, टोटल भूटान का एरिया ब्रिटिशों के अंडर आ गया,
भूटानचं सर्व प्रदेशच्या आता कोणाच्या ताब्यात गेलाय, ब्रिटिशांच्या ताब्यात गेलाय. और इसके रिटर्न में जो भूटान का रूलर है उसको उसको एक एनुअल एक प्राइज डिसाइड करके उसे ग्रांट कर दी. वार्षिक तनख्वा म्हणजे पेन्शन सारखा हा प्रकार तो राजाला देण्याचं त्यांनी मान्य केलेलं आहे, मान्य केलेलं आहे. उसके बाद 1910 में फिर से एक बार ब्रिटिश और भूटान के बीच एक ट्रीटी हुई तहजाला 1910 साली. उसके अंडर क्या किया है, अब भूटान को इंटरनल मैटर में फ्रीडम दे दी और एक्सटर्नल में फॉरेस्ट मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री ब्रिटिशों के अंडर रहेगी. म्हणजे काय, भूटानला 1910 च्या तहानुसार अंतर्गत बाबतीत स्वायत्तता दिली, त्याचबरोबर फक्त परराष्ट्र आणि संरक्षण विषयक धोरण ठरवण्याचा अधिकार ब्रिटिशांनी स्वतःकडे ठेवून घेतले. हे झालं 1910 च्या तह, त्याच्यामुळे संपूर्णतः इंडायरेक्टली तरी देखील भूटान कोणत्या ताब्यात आहे, इंग्रजांच्या. इसके बाद 8 ऑगस्ट 1949 मध्ये एक करार झाला, भारत भूटान करार, इंडियन भूटान ट्रीटी, जिसके बड़े जिसमें वो चेंज कर दिए. उसमें क्या किया है चेंज, भूटानचे संरक्षण व परराष्ट्र धोरण ठरवण्याची भारताची भूमिका आता सल्लागार राष्ट्राची राहील. यहाँ पे आप टोटल कंट्रोल था ब्रिटिशों का, अब यहाँ पे सिर्फ इंडिया की पोजीशन क्या बनेगी, एज अ गाइडेंस एडवाइजरी ब्रिटिशों के भूटान को अपना डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स संभालते समय इंडिया अपनी इंडिया भूटान को एडवाइजरी की तरह काम करेगा. अब इसके बाद देखना है नेक्स्ट हमारी पड़ोसी कंट्री है तिब्बत, जो चाइना का पार्ट है प्रेजेंट टाइम में. अब तिब्बत के अंडर क्या है, तिब्बत किसके अंडर था, दलाई लामा के अंडर, जो तिब्बत का मेन रूलर है. और दलाई लामा के अंडर होने की वजह से वहाँ पे बौद्ध रिलीजन सबसे ज़्यादा था. अब ये ब्रिटिशों को इसकी इम्पोर्टेंस पता थी, अगर आपको रशिया को अपोज करना है, रशियाला तुम्हारा थोपून ठेवायचं आहे, तर तिब्बत हा ब्रिटिशांना स्वतःकडे असावा वाटत होता. इस वजह से तिब्बत की तरफ ब्रिटिशों को ज़्यादा ध्यान था. इस वजह से लॉर्ड कर्जन जिसने बंगाल को डिवाइड किया था टू ग्रुप में, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, वे उसी लॉर्ड कर्जन ने तिब्बत की कैपिटल राजधानी ल्हासा तक अपनी फौज भेजने का काम किया था. और इस फौज भेजने की वजह से वहाँ तक अपनी बॉर्डर बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए. लेकिन 1907 में रशिया और ब्रिटिशों के बीच में एक ट्रीटी हुई, करार झाला आहे रशिया आणि इंग्लंडच्या मध्ये. त्या करारानुसार काय ठरलं 1907 की ट्रीटी में, तिब्बत के ऊपर चाइना का पॉलिटिकल रूल चलेगा. किसका चलेगा, चाइना का. देखो दोनों के झगड़े में तीसरे का बेनिफिट है, चाइना चाहता था कि अभी तक नहीं, लेकिन अब यहाँ पे चाइना को इनडायरेक्टली पॉलिटिकल राइट्स मिल गए. इसका बेनिफिट चाइना ने फ्यूचर में लिया, आज भी चाइना उसी का बेनिफिट लेते समय हमारा अरुणाचल प्रदेश क्या मैं अपने राइट्स बताता है, सिक्किम में भी राइट्स बना करता है, अक्साई चीन जो अभी रिसेंटली जो गढ़वाल वैली में चल रहा है, वो किस वजह से 1907 में इंग्लैंड रशिया का जो भी बीच में ट्रीटी हुई है 1907 इंग्लैंड रशिया करानुसार त्यांना जो अधिकार भेटला है त्याच अधिकाराच्या मदतीने ते हे बोलत आहे. उसके बाद देखना है अब ये एशिया खत्म होता है. एशिया में हमने क्या देखा, पहले म्यांमार, उसके बाद नेपाल, भूटान, सिक्किम, इतनी कंट्रीज हमने देखी. अब आप अफ्रीका में आ गए. अफ्रीका में यूरोपियन कंट्रीज ने अपना रूल स्टार्ट करना कर, कॉलोनीज बनाना स्टार्ट कर दिया, हमें वसाहती बनवायला शुरुआत की ली. लेकिन अफ्रीका की कंडीशन टोटली अलग है. अफ्रीका मध्ये गंधार जंगले, विस्तीर्ण सरोवरे, दलदल वाळवंटे यानी डेंसी फॉरेस्ट, वाइड स्प्रेड लेक्स, स्वैम्प्स, डेजर्ट्स, ऐसा बहुत ज्योग्राफिकल बहुत डिफरेंट टाइप की थी. और वो उस अफ्रीका में अब यूरोपियन कंट्रीज अपनी कॉलोनी बनाना स्टार्ट करी. अब ये इसकी स्टार्ट कैसी हुई, बेल्जियम
बेल्जियम ने क्या किया, अफ्रीकन कंट्री है कांगो उसको कैप्चर कर दिया, कैप्चर कर दिया। देखो शुरुआत कैसे हुई, कांगो को कैप्चर कर दिया और कांगो को कैप्चर करने के बाद उसने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है बेल्जियम की कैपिटल, बेल्जियम च्या राजधानी मध्ये, राजधानी ब्रुसेल्स, वहां पे कॉन्फ्रेंस म्हणजे एक परिषद ऑर्गेनाइज के लिए 1876 मध्ये। उस समय बेल्जियम का किंग है लियोपोल्ड सेकेंड। अब उस परिषद या उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कौन होते हैं, भूगोल शास्त्रज्ञ, संशोधक आणि संशोधक पण कुठले, युरोप मधले हा फक्त, युरोपियन जिओग्राफी रिसर्च, जिओग्राफी साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स से पार्टिसिपेट हुए थे। अब उन्होंने इस परिषद या इस कॉन्फ्रेंस में क्या डिसाइड किया है, उनका कहना है, अब देखो कॉलेज बनाने की डिफरेंट टेक्निक्स, मेंटेलिटी कैसे बना रही, दिखाने के दांत, कहते हैं हाथी के दिखाने के दांत अलग होते हैं खाने के अलग, ये देखो। अब उनको कॉलेज बनानी है, लेकिन उन्होंने इस परिषद या कॉन्फ्रेंस में क्या किया, अफ्रीकन पीपल्स वेल एजुकेटेड नहीं है, उनका कल्चर डेवलप नहीं हुआ म्हणजे त्यांची संस्कृती डेवलप नहीं, त्यांना ज्ञान नहीं, असं या परिषदेमध्ये ठरवलं। और इस वजह से उनको नॉलेज प्रोवाइड स्प्रेड करने के लिए, म्हणजे ज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी इंटरनॅशनल असोसिएशन फॉर द एक्सप्लोरेशन अँड सिव्हिलायझेशन ऑफ सेंट्रल आफ्रिका नाम की एक संस्था बना दी, इंस्टीट्यूशन बना दी, जिसका मेन उन्होंने उस ब्रुसेल्स परिषद या ब्रुसेल्स कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या, किस लिए, नॉलेज को स्प्रेड करना है, कहाँ पे, अफ्रीका में उनको कल्चर बनाना है, इस वजह से ये बनाने का काम किया। अब ये चल रहा है, अब उसके बाद 1884 मुझे 1884 साली एक बर्लिन में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, बर्लिन परिषद जिसमें यूरोपियन कंट्रीज थे, का यूरोपियन कंट्री, यूरोपीय देश पार्टिसिपेट हुए थे। और ये क्या है, किस लिए कॉन्फ्रेंस थी, ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पे भी हाथी के दांत दिखाने की और खाने की, और इन्होंने क्या किया है, मी कोणता भाग खाऊ तू कोणता भाग खाशे, म्हणजे काय, अफ्रिका का कौन सा भाग मैं लूटूंगा, कौन सा भाग तुम लूटोगे, ये डिसाइड करने के लिए, कॉलोनी बनानी मतलब वहां की कंडीशन का फायदा उठाते समय वहां से लूटना ही है, लूट मचाना, वैसे इसीलिए ये बर्लिन परिषद कॉन्फ्रेंस की है, मीन्स अफ्रीका को डिवाइड करने के लिए, ब्रिटिश कौन सा पार्ट को लूटेंगे, जर्मनी वाले कौन से, फ्रांस वाले कौन से, स्पेन वाले कौन से, अफ्रीका पुर्तगाल वाले कौन से, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, लेकिन नाम दिया था डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीका, जिसके जिसमें क्या क्या मेन पॉइंट थे, कौन सा संध्या है, व्हाट इज द पॉसिबल इन अफ्रीका, मीन्स यहाँ पे उनको क्या करना है, अफ्रीका में चेंजेस करने के लिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटी, कौन कौन सा संध्या है, लेकिन इनडायरेक्टली वो क्या है, खुद की बेनिफिट क्या है, कौन सी उनके पास बेनिफिट मिलने की जगह है वो ढूंढ रहे थे। सेम सेकंड उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, कांगो जो बेल्जियम ने कैप्चर कर दिया उसे फ्री स्टेट डिक्लेयर कर दिया, इनडायरेक्टली बेल्जियम का उसके ऊपर राइट बना दिया। और सेम थर्ड मानवीय व नैसर्गिक साधन संपत्ति का विनियोग, अफ्रीका में जो नेचुरल रिसोर्स है, ह्यूमन पावर्स है, उसका यूटिलाइजिंग करके कैसे हमारा बेनिफिट हो सके, इसके बारे में सोचने का काम बर्लिन परिषद या बर्लिन कॉन्फ्रेंस में किया है। अब इसके बाद अब देखना है हमें इंग्लैंड या यूरोपियन कंट्रीज के कितने बहुत सारे क्या कह सकते हैं कॉलोनीज का आप थे। अब बुक में अलग है और यहाँ पे भी अलग है। अब बुक में अलग क्या है, ये डिवाइड किया हुआ है तो मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा अलग बना दिया। अब एक बार हमने इंग्लैंड, इंग्लैंड में अफ्रीका में जितने भी पॉइंट आएंगे जहाँ जहाँ भी उनका रिलेशन है वो एक बार पढ़ लेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फ्रांस का कहाँ पे आया, जर्मनी का कहाँ पे, स्पेन, डच, इटली, पुर्तगाल, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें फर्स्ट देखना है इंग्लैंड का रिलेशन, क्या देखना है, इंग्लैंड की कॉलोनीज इन अफ्रीका। अब पहले इंग्लैंड की जो क्वीन थी उसने जॉर्ज टॉम्बन गोल्डी नाम के पर्सन को ऑथराइज कर दिया, आप अफ्रीका में जाके क्या करो, ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो। इसके लिए उन्होंने एक कंपनी बना दी है, यूनाइटेड अफ्रीकन कंपनी, जिसका कब बनी है, 1879 में एक कंपनी फाउंड किया जॉर्ज टॉम्बन गोल्डी।
उसने स्टार्ट की है, नाइजीरिया में ट्रेडिंग भी स्टार्ट किया है। बाद में इसी कंपनी को ब्रिटिशों ने अपने अंडर लाने का काम किया, मीन इंग्लैंड ने अपने किंग ने अपने अंडर लाया है और नाइजीरिया को फर्स्ट कॉलोनी बनाई, अफ्रीका की फर्स्ट कॉलोनी नाइजीरिया बनी है इंग्लैंड की। उसके बाद एक और एक कंपनी बनाई, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंडिया के लिए, वैसे ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका नाम की कंपनी बनाई थी इंग्लैंड के लोगों ने, जिन्होंने अफ्रीका में जाम्बिया, पेगमा एंड नेसलैंड, मीन्स नेसलैंड में मलाई, मलाई का एरिया में अपनी कॉलोनीज बनाई। अब इसके बाद इजिप्ट में देखना है हमें, क्या पे देखना है, इजिप्ट। इजिप्ट मेन इंपॉर्टेंट कंट्री है अफ्रीका में, और उस अफ्रीका के उस कंट्री में एक सबसे बड़ा फेमस कैनाल है स्वेज कालवा, स्वेज कैनल, जो ज्वाइंट करता है मेडिटेरियन ओशन एंड रेड सी, म्हणजे भूमध्य समुद्र आणि तांबडा समुद्राला जोडणारा हा कालवा आहे, जिसको बनाने का काम फ्रांस ने किया था, इजिप्त के पैसे, हाँ पैसे इजिप्त के, लेकिन कौन काम कर रहा है, फ्रांस। और उसका आर्किटेक्चर या क्रिएटर कौन था, फर्डिनांड डी लेसेस, इस पर्सन ने वो काम कर रहे हैं। इसके लिए इजिप्ट ने बहुत सारा लोन उठाया था। अच्छा, इंपॉर्टेंट कैनल है जो आज भी यूज हो रहा है, जिसकी वजह से इजिप्ट में बहुत सारा बेनिफिट बाद में मिला है, लेकिन जब बनवाते समय इजिप्ट ने बहुत बड़ा लोन उठाया था। लोन उठाने के बाद उसमें उनको रिटर्न, जो एवरी मंथ कुछ देना पड़ेगा ना रिटर्न, वो देने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो उस समय स्वेज कैनल कंपनी जो थी, उस कंपनी के शेयर उन्होंने मार्केट में उतारे बेचने के लिए, और इंग्लैंड ने उतने सारे शेयर परचेस कर लिए। और शेयर जैसे ही परचेस कर लिए इंग्लैंड ने, तो स्वेज कैनल के ऊपर, स्वेज कालव्याच्या वरती ब्रिटिशों का कंट्रोल आ गया। देखो इजिप्त में किसका पार्ट बना, इजिप्त, अब ये इंग्लैंड की ही कॉलोनी बन गया। अब ये कॉलोनी बनने के बाद इजिप्त फ्रीडम, इजिप्त को फ्रीडम कब मिला है, 1922 में। इजिप्त स्वतंत्र कब झाला है, 1922, हे झाले इजिप्त पुरता। अब इजिप्त नंतर आता काय आहे, तर पुढचं पाहायचं आपल्याला सुदान। सुदान ये ऐसा पार्ट है जो इम्पॉर्टंट पार्ट है अफ्रीका का, क्योंकि जो नाइल रिवर है, नाइल नदी, तिचा उगम कुठं होतोय, तो सुदान देश। स्टार्ट कहाँ पे हुई है नाइल की, सुदान कंट्री में। अब इजिप्त के साइड में ही सुदान है, और पहले सुदान इजिप्त का ही एक वेसल स्टेट, म्हणजे मांडलिक राज्य होता। सुदान कोणाच्या अंडर होता, इजिप्तच्या। इस वजह जैसे इजिप्त ब्रिटिशों के पास गया, इंग्लैंड के पास गया, तो उन्होंने अपने रिक्लेम कहाँ पे किया, सुदान पे। इजिप्त हमारे पास है इनडायरेक्टली, तो सुदान भी हमारे पास ही क्लेम किया। अब सुदान को कैप्चर करना है, क्योंकि नाइल का रिवर स्टार्ट हुई, अगर सुदान उनके पास आ गया तो उसका बेनिफिट ब्रिटिशों को होने वाला था। तो उन्होंने सुदान तक अपनी फौज भेजने के लिए उन्होंने एक रेलवे रूट बना दिया, कहाँ से, युगांडा से सुदान तक, सुदान तक एक रेलवे रूट बनाया। बेसिकली किस रीजन की वजह से, अपनी फौज इजीली युगांडा से सुदान तक पहुंचाने के लिए। ये हो गया सुदान का। अब इसके बाद इंग्लैंड की और भी कॉलोनीज है अफ्रीका में, और उनका एक यूनियन ही बना दिया था बाद में, यूनियन ऑफ द साउथ अफ्रीका, जिसकी जो जिसमें अफ्रीका में जितनी भी इंग्लैंड की कॉलोनी थी वो उसके अंडर आ रही थी। उसमें है केप कॉलोनी, नाताल कॉलोनी, ये दो इम्पोर्टेंट कॉलोनी। जो नाताल केप कॉलोनी है वो तो ब्रिटिशों में डचों से परचेस कर ली, खरीद ली हुई कॉलोनी है। और नाताल कॉलोनी में पहले पुर्तगाल के अंडर थे, बाद में धीरे 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 वहाँ पे ब्रिटिश बनने लगे, और ब्रिटिशों ने नाताल से पुर्तगाल को निकाल दिया है। तो वो भी किसके अंडर आ गई, अब ब्रिटिशों की। इतनी सारी कंट्रीज अफ्रीका की, बहुत सारी मिस मेजोरिटी पार्ट्स अब किसके अंडर हैं, तो ब्रिटिशों के पास। अब इसके पास सेकेंड कंट्री है यूरोपियन कंट्री, जिसके पास अफ्रीका का पार्ट है। अब इसमें है फ्रांस, फ्रांस के पास कौन कौन सी पार्ट है अफ्रीका का, सेनेगल, गाम्बिया, कांगो का नॉर्थ साइड, मीन उत्तर प्रदेश, उत्तरेकडील प्रदेश, नॉर्थ कांगो, आइवरी कोस्ट जो 1883 में उन्होंने कैप्चर किया, उसके बाद डहोमे,
जो 1894 में कैप्चर किया। और फ्रांस का एरिया कहाँ तक, 1914 में 1914 पर्यंत फ्रांस का एरिया कुछ पर्यंत होता, त्याचे आता बॉर्डर सांगितले ते। तो उनके बॉर्डर्स कहाँ पे, सीमा सहारा वाळवंट मीन्स सहारा डेजर्ट टू आयवरी कोस्ट मीन्स फ्रेंच गिनी का पार्ट में। देखो सहारा डेजर्ट टू आयवरी कोस्ट म्हणजे सहारा वाळवंट ते आयवरी कोस्ट। ईस्ट में कहाँ पे था, मादागास्कर बेट मीन्स मादागास्कर आइसलैंड ईस्ट में। नॉर्थ में कहाँ पे, अल्जेरिया टूनिस एंड मोरक्को का एरिया। इतने बड़े एरिया में फ्रांस भी अफ्रीका में कॉलोनीज बना के अपना रूल कर रहा था। उसके बाद नेक्स्ट यूरोपियन कंट्री है जर्मनी। जर्मनी ने फर्स्ट कॉलोनी या वसाहत कब बनाई है, 1833 मध्ये पहिली वसाहत बनवली टोगोलैंड जो नॉर्थ ईस्ट के बीच में थी, जो टोगोलैंड साउथ अफ्रीका में। और ईस्ट में टोगोलैंड कॉलोनी बनाई है, और टोगोलैंड कॉलोनी बनने के बाद बहुत सारी उन्होंने भी कॉलोनीज बनाई है, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट ने छोटी छोटी कॉलोनीज थी। इस वजह से इतना सारा जो ट्रेडिंग है अफ्रीका में कंट्रोल करने के लिए 1897 साली जर्मन ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने बनाई। अब उसके बाद है स्पेन। अब यहाँ पे सिर्फ कौन कौन से पार्ट, स्पेन के पास डच इटली के पुर्तगाल के पास उतना ही पढ़ना है। स्पेन के पास था गिनी कोस्ट मधील काही बेटे मीन्स सम आइसलैंड इन द गिनी कोस्ट, सेम टाइम मोरक्को का कुछ पार्ट था। उसके बाद डचों के पास ओरेंज फ्री स्टेट एंड ट्रांसवाल में ये दो पार्ट थे। इटली के पास त्रिपोली एंड साइरेनिका का पार्ट था, और पुर्तगाल के पास अंगोला का काही भाग मीन्स सम पार्ट ऑफ एंगोलो उनके पास था। यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर सेकेंड खत्म होता है, तो हम रुकते हैं। थैंक यू।